मैं आपके साथ मैक्सी की कटिंग और स्टिचिंग शेयर कर रही हूँ, तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैक्सी की कटिंग ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ, अभी आपको मैं पेपर पे कटिंग बताऊंगी। अभी यहाँ ये देखें, मैं आपको फैब्रिक रखने का तरीका बताती हूँ। ये देखें, यहाँ से 54 इंच ले लिया और इसको अब ऐसे फोल्ड कर लेंगे। मेजरमेंट मैं आपको बड़ी मैक्सी की बता रही हूँ, लेकिन कटिंग मैं आपको पेपर पर सिखा रही हूँ। ये देखें, इसके बाद इस तरह फैब्रिक को सेट करके रख लेना है। ये देखें, ये 54 इंच का हमने यहाँ से इस तरह निशान लगाना है। और अब यहाँ से 54 इंच का पूरे फैब्रिक पर राउंड राउंड निशान लगा लेना है, ठीक है। ये जो मैं सिखा रही हूँ, ये नीचे का अम्ब्रेला है, योक में इसके बाद आपको सिखाऊंगी। ये देखें, इस तरह दो पीस ले लेने हैं, याद रखिएगा पीस दो लेने हैं। ये इस तरह अब मैं यहाँ 54 इंच पे मार्क कर लूँगी। ये देखें, यहाँ मैंने पिनअप किया है इसे। अब यहाँ मेजरिंग टेप को मैंने बिल्कुल कॉर्नर पे रखा और 54 इंच का निशान लगा लूँगी। फिर आगे इसी तरह 54 इंच का निशान लगाती जाऊँगी। ये देखें, कॉर्नर पर मेजरिंग टेप को बिल्कुल कॉर्नर पर रखना है और 54 इंच के निशान लगाते चले जाना है। पूरा राउंड राउंड निशान लगा लेना है और अब इन निशान को मिला लेना है। ये सारे निशान 54 इंच के हैं। इसके बाद अब मैं इन निशान के ऊपर से कटिंग कर लूंगी। ये देखें, इस तरह। ये देखें, यहाँ अब हमारी योक लगेगी और इसको मैंने कटिंग करना है। ये मैं बाद में करूंगी, इस तरह करनी है। पहले मैं योक बनाऊंगी, योक की मेजरमेंट लेकर फिर मैंने यहाँ से इसकी कटिंग करनी है। अगर आपके पास फैब्रिक कम है तो आपने ये साइड से बचे हुए फैब्रिक में से योक निकाल लेनी है। ये देखें, अब इसको इस तरह फोल्ड कर लेना है और फिर अपनी मेजरमेंट के हिसाब से निशान लगा लेने हैं योक के। मैंने जो मैक्सी कटिंग की है उसके साइड में से बचे हुए फैब्रिक में से योक बनाई है। ये देखें, अभी ये इसकी लेंथ है 17 इंच। योक की मेजरमेंट भी आपने अपने नाप के हिसाब से लेनी है। ये देखें, यहाँ से मैं विड्थ इसकी ले रही हूँ 24 इंच। हमने इस फैब्रिक को भी डबल फोल्ड करके रखना है, एक पीस फ्रंट का होगा और एक बैक का। यहाँ अब मैं शोल्डर के निशान लगा रही हूँ 8 इंच। इसके बाद आर्म होल का निशान लगेगा, ये भी 8 इंच का लगा लेना है। और अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ये देखें इस तरह। और अब मैं चेस्ट के निशान लगाऊंगी, 21 इंच मुझे चेस्ट तैयार चाहिए, तो ये मैंने लगा लिया है 10.5 इंचेस का, ठीक है। और यहाँ वेस्ट के निशान लगेंगे, वेस्ट मैंने रख लेनी है 9 इंचेस, ठीक है। और अब इन दोनों निशानों को मिला लेना है इस तरह। अब यहाँ से आर्म होल की गुलाई दे देनी है, ये देखिए इस तरह। अब इसके बाद यहाँ शोल्डर से स्लोप में निशान लगा लेना है, ये मैं हाफ इंच ले रही हूँ। अब यहाँ से एक टीप निशान लगाना है और यहाँ से सिलाई का मार्जिन रखना है 1 इंच, आप चाहें तो 2 इंच भी रख सकती हैं। अब इन दोनों निशानों को आपस में मिला लेना है और अब इन निशान को कटिंग कर लेना है। सबसे पहले ये शोल्डर का निशान कटिंग होगा, फिर उसके बाद आर्म होल का, और फिर ये जो साइड पे हमने कटिंग का निशान लगाया था इसको कटिंग कर लेना है। और दोनों साइड पे कट लगाने के बाद इसे अलग करके फ्रंट साइड की डीप कटिंग करनी है। अब यहाँ से अम्ब्रेला की इस तरह योक के हिसाब से कटिंग कर लेंगे। मैं आपको स्लीव की कटिंग बताती हूँ। इस तरह दो पीस को फोल्ड करके फोर्थ फोल्ड कर लेना है और यहाँ से हमें 21 इंच का निशान लगा लेना है। 20 इंच की स्लीव हमें तैयार चाहिए। अब यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग कर लेना है और इस तरफ से भी इसे नीट कर लेना है। इसके बाद अब यहाँ से मैं 3 इंच का निशान लगाऊंगी और यहाँ से इसको इस तरह गुलाई दे दूंगी। और यहाँ से मैं 6 इंच का निशान लगा के ये इस तरह लाइन ड्रॉ कर लूंगी। अब यहाँ से मैंने दूसरा निशान लगा लेना है थोड़ा सा डीप। अब ये निशान कटिंग कर लेना है। अब इसे ओपन करके ये डीप निशान कटिंग कर लेंगे।
फिर उसके बाद ये यहाँ से मेजर कर लेंगे, 8 इंच पे फिटिंग आएगी। यहाँ कट लगा लेना है, एक कट ऊपर लगा लेना है। ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। ये देखें 17 इंच लेंथ है। यहाँ से अब शोल्डर देखें, 8 इंच इसका शोल्डर है और यहाँ से भी मैंने 8 इंच का निशान लगाया था। और इसके बाद यहाँ से ये देखें, ये 10.5 इंचेस पे, और यहाँ देखें वेस्ट का निशान 9 इंच पे। अब यहाँ मैंने एक कट लगा लिया और फिर ये कटिंग कर ली सेम उसी तरह जैसे आपको पेपर पर बताई है। इसके बाद ये भी आपको मैं ओपन करके दिखा देती हूँ। ये देखें, ये बैक साइड है और ये फ्रंट साइड है। ये मैंने आपको बताया था ना कि 2 पीस रखने हैं और इसे इस तरह फोल्ड करके ये फोर्थ फोल्ड हो जाएंगे। ये देखें इस तरह। अब इसके बाद ये देखें स्लीव की कटिंग देखें, और ये देखें यहाँ से यहाँ तक 9 इंच और यहाँ 8 इंच पे फिटिंग आएगी और ये डीप कटिंग। और ये देखें मैक्सिमम साइड पे थोड़ा सा जोड़ा है पर ये इतना ज़्यादा शो नहीं होगा। फ्रेंड्स, नेक मैं बना चुकी हूँ और इसकी वीडियो भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप सीखना चाहती हैं तो मेरे चैनल का विज़िट करें। ये देखें बैक नेक की कटिंग कर चुकी हूँ, 4 इंच इसकी विड्थ है और 3 इंच इसकी लेंथ है। अब इसके बाद मैंने उरे पट्टी कटिंग करनी है। अब ये देखें यहाँ से इसको इस तरह स्टिच करना है। ये योक का फ्रंट साइड है, फैब्रिक पट्टी को इस तरह फोल्ड कर लेना है और यहाँ से इसके साथ स्टिच करना है। और ये वीडियो भी ख़ास मैं बिगनर्स के लिए बना रही हूँ। ये देखें पट्टी में लगा चुकी हूँ। इसके बाद अब ये वाली पट्टी इस तरह दोनों शोल्डर जॉइंट कर लेने हैं और ये वाली पट्टी जो एक्स्ट्रा पट्टी लगाई है इसको इस तरह ऊपर को फोल्ड कर लेना है और फिर स्टिच कर लेना है। याद रखिएगा पट्टी को ऊपर फोल्ड करके फिर स्टिच करना है। अब दूसरे शोल्डर को भी सेम इसी तरह स्टिच करेंगे। ये देखें ये जो एक्स्ट्रा पट्टी लगाई है इसको बाहर रख के शोल्डर को आपस में इस तरह मिला लेना है और वो एक्स्ट्रा पट्टी बाद में इसके ऊपर फोल्ड कर लेनी है। इसके बाद आपने बैक नेक पे तुरपाई कर लेनी है। सिलाई करना चाहती हैं तो सिलाई कर लें। ये देखें फ्रेंड्स, योक मैंने पहले ही अटैच कर ली क्योंकि मैंने ये जो नेक बनाया है ये मुझे थोड़ा लॉन्ग बनाना था, तो अगर मैं लॉन्ग नहीं बनाती तो ये मैंने अलग से पेटी तैयार कर लेनी थी और नीचे का ये जो अम्ब्रेला ही अलहदा तैयार कर लेना था और फिर बाद में दोनों को अटैच करना था। अब यहाँ नेक की तरफ आते हैं। यहाँ आप अगर सिलाई करना चाहती हैं तो सिलाई कर लें, यहाँ तुरपाई करना चाहती हैं तो आपने तुरपाई कर लेनी है। ये देखें इस तरह, ये देखें ये मैंने सेट करके रख लिया। यहाँ आपको समझाती हूँ, ये देखें ये फ्रंट साइड तो कंप्लीट है, अब ये बैक साइड है और ये जो बैक साइड के नीचे का ये जो अम्ब्रेला है इसको हमने इस तरह बॉडी के साथ अटैच करना है। अटैच करने के बाद हमने फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है दोनों साइड से और इस तरह बिल्कुल नीचे तक सिलाई लगा लेनी है दोनों साइड से, ठीक है। और ये सिलाई करने के बाद हमने स्लीव रेडी करनी है। ये देखें फ्रेंड्स, ये मेरे पास सिल्क फैब्रिक है और इसकी चौड़ाई मैंने ले ली है 2 इंचेस और इसको मैंने इस तरह स्टिच कर लेना है। ये देखें ये इस तरह इसे फोल्ड कर लेना है और फिर इसके साथ रख के स्टिच कर लेना है। अब ये देखें ये लेस को इसके ऊपर रख के इस तरह सिलाई लगानी है। ये देखें ये सारा भी जितना भी कचरा वगैरह सब होगा इसका इसके अंदर छुप जाएगा, ये धागे वगैरह जो भी लेस के निकलेंगे वो इस तरह ना नीचे की साइड नज़र आएंगे ना ऊपर की साइड पे नज़र आएंगे। अब ये देखें लेस अटैच हो चुकी है, ये बैक साइड से देखें बिल्कुल नीट है। अब इसके बाद यहाँ हम रेड कलर की लेस अटैच करेंगे जैसा मैंने नेक में लगाई है, बिल्कुल सेम उसी तरह हम
स्लीव पे भी लगाएंगे। अब इसके बाद एक लेस और अटैच कर देंगे। अब इसके बाद इसे नीट कर लेना है और फिटिंग की सिलाई लगानी है। ये देखें इस तरह। ये देखें हमारी स्लीव तैयार हो चुकी है। इसी तरह मैंने दूसरी स्लीव भी तैयार कर ली है। ये देखें स्लीव को हमने सीधा कर लेना है और ये जो डीप कटिंग है ये हमने मैक्सी के फ्रंट साइड पे रखनी है। इस तरह स्लीव को इसके अंदर डाल लेंगे और ये फिटिंग की सिलाई और ये स्लीव की फिटिंग की सिलाई दोनों आपस में इस तरह मिला लेंगे। ये देखें अब इस तरह आपने ऐसे पकड़ के स्लीव को चेक कर लेना है, छोटी बड़ी तो नहीं है। अगर छोटी बड़ी है तो फिर आपने इसकी सेटिंग करनी है। और ये देखें हमारी स्लीव छोटी बड़ी नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसे स्टिच करेंगे और स्टिच हम थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट करेंगे। ये देखें यहाँ से स्टिच स्टार्ट करेंगे। अब ये देखें ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको इस तरह फोल्ड कर लेंगे, बिल्कुल बारीक कर लेंगे इस तरह फोल्ड करते हुए ऐसे। और यहाँ हमने फिंगर से इसको दबा लेना है और फिर उसके बाद ये जो ऊपर वाली साइड है स्लीव की, इसका भी ये जो ऊपर वाला एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको इस तरह फोल्ड करके फिर हम स्टिच करेंगे। अब ये देखें दोनों साइड से फैब्रिक को फोल्ड करके स्टिच कर लिया और अब पूरी राउंड राउंड सिलाई लगा लेंगे। ये वीडियो बनाने के लिए मुझे एक सिस्टर ने कहा था, आई होप आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग समझ में आ गई होगी। और अगर फिर भी आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। आई होप मैक्सी की कटिंग और स्टिचिंग आपको भी समझ में आई होगी। ये देखें फ्रेंड्स, ये अब मैंने इस तरह बारीक बारीक फोल्ड कर लिया और ये मैंने फोल्ड सीधी साइड पे किया है, उल्टी साइड पे नहीं किया। अब इसके ऊपर मैंने लेस अटैच कर देनी है। लेस को मैंने ऊपर की साइड पे रख के लगाना था इसलिए मैंने इसे फ्रंट साइड पे फोल्ड किया है। बैक साइड से ये बिल्कुल नीट होगा और इस तरह पूरे घेरे पे हमने लेस अटैच कर लेनी है। और ये अटैच करके फिर मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो जी फ्रेंड्स, ये है हमारी मैक्सी की फाइनल लुक। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको इसमें कोई बात समझ नहीं आई तो आप मुझसे कॉमेंट में पूछ सकती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।